नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ सीएमएस के कंट्रोल रूम में। जिनीवा के पास एक छोटा सा गांव है सेसी, जहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनोइड स्थापित है। हम लोग आज उसमें एक टूर करने जाएंगे और मेरे साथ मेरे कोलीग्स भी हैं जो आपको नीचे दिखाएंगे। और यहाँ कंट्रोल रूम में तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर क्या क्या है। आप लोग जरूर जिज्ञासित होंगे पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न। आप अपने सारे प्रश्न को नोट करके रखिएगा, क्योंकि जब हम टूर खत्म करेंगे तब हम आपके प्रश्न को लेंगे। चलिए, सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको। है क्या ये सर्न, जो थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। कैन यू गिव मी द फर्स्ट स्लाइड? जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी झील है जिनेवा में। इसका नाम है लेक जिनेवा। ऊपर आप देख रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर पहाड़। ये पहाड़ एल्प्स हैं। और जो नीचे जो जमीन है उसके ऊपर आप एक सर्कल देख रहे हैं। ये सर्कल जो है ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को दिखाता है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जमीन के नीचे है, 100 मीटर्स अंडरग्राउंड। और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उस कोलाइडर के ऊपर वो हैं एलिस, एटलस, LHCb और CMS। अब ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे ये क्या बता रही हैं, जिसमें कि ये क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं और ये क्या है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो सिर्फ एक माइक्रोस्कोप की तरह है। जैसे एक माइक्रोस्कोप आप जानते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखते हैं कि हमारा जो मैटर है उसके अंदर क्या है, सही है ना? तो उसको देखने के लिए हम यहाँ जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें ये जो कोलाइडर आप देख रहे हो बिल्कुल अपने स्क्रीन के बीच में, ये एक पाइप है, एक तरह का पाइप है जिसमें कि और अंदर दो पाइप्स हैं। उन पाइप्स के अंदर प्रोटॉन्स, जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनको हम कोलाइड करते हैं। कोलाइड करते हैं यानी टकराते हैं, और बहुत एनर्जी के साथ। ये पूरा जो आपने देखा 27 किलोमीटर में, जैसे कि आप दौड़ते हैं, जब तेज दौड़ते हैं तो आपके भी बहुत एनर्जी आ जाती है, ऐसे ही प्रोटॉन्स जो हैं उनको इतनी एनर्जी आ जाती है। और हम देते हैं उस तरह से, उसको डिजाइन किया गया है कि वो एनर्जी बने जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय एनर्जी इस ब्रह्मांड में थी। तो जब वो टकराव होता है और जो पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं उनको हम कैसे देखेंगे, उनको उनको देखने के लिए भी हमें एक एक्सपेरिमेंट चाहिए। आपने देखा होगा मोबाइल कैमरा होते हैं लोगों के पास फोटोज लेने के लिए, उसी तरह से हमारे पास बहुत हजारों लाखों करोड़ों सेंसर्स यानी कि मोबाइल कैमरा टाइप के हैं, जो ये एक्सपेरिमेंट के अराउंड हैं। वो कोलिजन पॉइंट को, जहां पर कोलिजन होता है, उसकी फोटोज लेते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनोइड। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, और जितना भी आप देख पा रहे हैं इसको आप ऐसे सोचिए कि एक, यदि आप एक अनियन, जैसे प्याज होती है ना, उसको लें, और बहुत बड़ी अनियन है ये। आप एक छोटा सा आदमी भी देख रहे हैं ना यहाँ पर, उसका साइज आपको अंदाज लग रहा होगा। तो अगर ये बहुत बड़ी सिलिंड्रिकल अनियन है और उसको हम काट दें, ऐसे वर्टिकली उसको हम काट दें, तो हर एक जो सेल है इस अनियन का, वो सेल एक मोबाइल कैमरे की तरह काम करेगा। और बिल्कुल बीचों बीच में कोलिजन्स होते हैं, और चारों तरफ से उसको हम मेजर करते हैं कि हम कहीं कुछ छूट ना जाए। और हम क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि आपको एक इक्वेशन जरूर पता है, वो है E=mc², मालूम है ना? तो जो एनर्जी जाती है एक्सेलरेटर में प्रोटॉन्स को, प्रोटॉन जो कण होते हैं उनको टकराने में, उस एनर्जी से E=mc² को यूज करके आप देख पाते हैं कि पार्टिकल्स निकल रहे हैं और हम उनकी फोटोज लेते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम फिर बैलेंस करते हैं। और आज जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि तरह तरह के सेंसर्स हैं अलग अलग पार्टिकल्स के लिए, और आप देख पा रहे हैं। कैन दे सी दिस, कैन दे सी नोएमी एज वेल? Yes, of course. और आप देख रहे हैं कि मेरी जो सहपाठी हैं नीचे जा रही हैं, ये देखिए नीचे पहुंच गई वो। और ये पर्टिकुलर रैक्स जो आप देख रहे हैं,
ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स की रैक्स हैं, और ये जो कोलिशंस हुए और जो मोबाइल सेंस जो मोबाइल कैमरे जैसे सेंसरों ने जो फोटोज ली, उनको हम कैसे एनालाइज करेंगे? वो सारा हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। इज नॉट ऑन आवर अल्गोरिथम। क्या बात है? हेलो, मैम वीडियो आपकी नहीं दिखाई दे रही है। अभी दिस वीडियो नहीं दिखाई दे रही मैं जो मैं इट्स आउट नो पेशेंस। मैम जूम पे दिखाई दे रहा है आपका वीडियो जो नॉमिनल दिखा रही है, बट हाँ, ऑडिटोरियम दिखाई दे रहे हैं। ऑडिटोरियम में दिखाई नहीं दे रहे नहीं। कि जो ये जो एक सीएमएस मोबाइल करके जो कैमरा है वो नहीं दिख पा रहा है क्या? आप रैक देख रहे हैं ना? कैन यू टेल नोएमी टू स्टॉप इन वन प्लेस फॉर अ सेकंड एंड You देन वी can tell जस्ट them. Could you please stop there? नोएमी जस्ट कैन यू स्टॉप वन मोमेंट ओवर हियर? यस, थैंक यू। कैन यू जस्ट वेट? तो प्रवीण आपको दिख रहा है? कौन प्रवीण आपको दिख रहा है? ऑडिटोरियम में दिख रहा है? हेलो, प्रवीण, दे डोंट सी दिस ऑन यस द मैम, नाउ नाउ इट इज विजिबल फॉर एवरीवन। ओके, नाउ इट्स या नाउ विजिबल। इट्स ओके, वेरी गुड, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? चलिए, हेलो। हाँ यस मैम, अभी अभी दिखाई दे रहा है। यस यस। अब हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नोएमी, नोएमी यू कैन गो अहेड प्लीज, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि मेरी कोलीग जो नोएमी है वो नीचे जा चुकी हैं, और वो नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक रूम है जहां पर जो सारे सेंसर्स ने डेटा कलेक्ट किया है। पहली बात तो सारा डेटा तो हम कलेक्ट कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम सारा डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो फिर वो इतना ज्यादा डेटा हो जाएगा कि हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, और उसमें सही डेटा कौन सा है और कौन सा नहीं है उसको हमें डिसाइड करना पड़ता है। उसके लिए एक ट्रिगर सिस्टम होता है। अब ये ट्रिगर सिस्टम क्या होता है? उसमें सिर्फ ये है कि हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरह के हमको कोलिशंस को रखना है, और उसको मेजरमेंट करने के लिए एल्गोरिथम्स होते हैं जो हमारे सेंसर्स बताते हैं हमको। अब आप देख रहे हैं नोएमी जो है नीचे जा रही है, और वो कॉरिडोर में से निकल के जा रही है। ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं इसके अंदर एक जो एक्सेलरेटर का सेक्शन है, LHC देखा था ना आपने वहां पर, वो ये है रहा एक्सेलरेटर। और अब वो आगे बढ़ती हुई सीएमएस के अंदर जाएगी। ये एक बहुत ही सेफ्टी डोर है कि हर इंसान तो इसमें से जा नहीं सकता, आपको एक ऑथराइजेशन चाहिए अंदर जाने के लिए। तो नोएमी ने सारे कोर्सेस करे हुए हैं जो सेफ्टी के कोर्सेस होते हैं। वो अंदर गई, उसने खोला दरवाजा, अपनी आंख को आंख से बायोमेट्री चेक करी, तब वो अंदर जा पाएगी, और तभी हमें पता चलेगा कि हमारा डिटेक्टर ठीक से चल रहा है कि नहीं। क्योंकि हम अंदर तो जा ही नहीं सकते अगर नीचे ऑपरेशंस चल रहे हैं, अगर अगर जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है अगर वो चल रहा है तो हम लोग नीचे नहीं जा सकते हैं। और हम लोग आज लकी हैं, बहुत लकी हैं कि हम जा पा रहे हैं, क्योंकि हमारा हेड्रॉन कोलाइडर जो है वो अभी चल नहीं रहा है। तो ये देख रहे हैं आप कॉरिडोर, इस कॉरिडोर से नोएमी जाएंगी अभी। We wait until the others come through. Just didn't तो show बाकी them. लोग भी नहीं, आप सब लोग अब एक साथ टीम आगे बढ़ रही है। हमारी जो मोबाइल कैमरे वाली जो टीम है वो आप लोगों के लिए नीचे जाके अब ये दरवाजा खोलेंगे। इस दरवाजे के पीछे आपको हमारा एक्सपेरिमेंट दिखेगा जहाँ की हम लोग काम करते हैं। अब जो सीएमएस एक्सपेरिमेंट है वो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। 5,400 से ज्यादा लोग यहाँ काम करते हैं, और पूरी दुनिया की कम से कम नहीं तो 100 कंट्रीज के लोग यहाँ काम करते हैं। आप देख रहे हैं नीचे लोग भी काम कर रहे हैं, कोई लोग वहां पर मेंटेनेंस कर रहे हैं, कोई लोग डिटेक्टर को चेक कर रहे हैं कि ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। और ये काम पूरे वक्त होता रहेगा जब तक कि जो LHC है वो चालू नहीं होगी। Can you show me that picture of CMS which is with all the detectors? Like this one, yes. So, yeah. So, अब आप देखेंगे एक पिक्चर आ रही है आपके पास, स्पेशल पिक्चर, ठीक है? ये स्पेशल पिक्चर आपको बता रही है जो CMS आप देख रहे हैं, जो मेरी जो कोलीग नोएमी है CMS मोबाइल के ऊपर, वो आपको अलग अलग तरह से पूरे डिटेक्टर के पार्ट्स दिखा रहे हैं। और ये डिटेक्टर में जो मैंने सेंसर्स के बारे में बात करी थी पहले आपसे,
तरह तरह के जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो अब आप देख सकते हैं जो नोएमी दिखा रही है वहां पर, ठीक है। उसमें किस तरह के डिटेक्टर्स हैं, सिलिकॉन डिटेक्टर है, कैलोरीमीटर है, आपने पढ़ा होगा, और एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी है। सीएमएस का पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है, मैग्नेट होता है, ठीक है ना। और मैग्नेट में ये पार्टिकल्स जो निकलते हैं कोलिशंस के बाद वो मुड़ जाते हैं, ठीक है ना, वो सीधे नहीं जा पाते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं और उसी से हमें पता चलता है कि उसमें कितनी एनर्जी है और कितना मोमेंटम है। तो ये सब चीजें मेजरमेंट्स में काम आती है। और आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि कितने सारे डिटेक्टर लगे हुए हैं। आप देखिए ना कि नोएमी क्या दिखा रही है पीछे। नोएमी, कैन यू गो क्लोजर, मे बी मेक अ ब्लो अ बिगर पिक्चर ऑफ द चेम्बर्स। सो आप देख रहे हैं कि मैग्नेट बहुत तेज, बहुत स्ट्रॉन्ग है, 4 टेस्ला का मैग्नेट है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है यहाँ पर। और इसमें ही हम डिटेक्टर्स ऐसे लगाते हैं कि हम इनको मेजर कर पाए जो भी इसमें से निकल रहा है। देखिए नोएमी दिखा रहे हैं, ये बड़े बड़े डिटेक्टर्स हैं, ये इंडिया में भी बने हैं ये डिटेक्टर्स। जो रेजिस्टिव प्लेट चेम्बर्स हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो डिटेक्टर्स इंडिया में बने हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वहां पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, साहा इंस्टीट्यूट है इंडिया में, कोलकाता में है ना, साहा इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने कंट्री से बहुत अलग अलग डिटेक्टर्स में सीएमएस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यस, तो ये देखिए अब आप, नाउ यू कैन सी हियर, ये जो डिटेक्टर्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, इनको डिजाइन करने में सालों लग जाते हैं। एलएचसी मशीन का जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था वो 90s में शुरू हुआ था, फिर 2000 से लेके 2009-2010 तक उसको कमीशन किया गया, और ऑपरेशन जो शुरू हुआ है वो 2010 के बाद शुरू हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक तरह से कोई बहुत बड़ा, जैसे अगर स्पेसशिप कोई बना रहा है तो उस तरह का एक कंस्ट्रक्शन है। और क्योंकि हम इसको नीचे ऑपरेट करते हैं, ऊपर जमीन पर नहीं है, ये 100 मीटर्स नीचे है, तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब जब मशीन चल रही है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर चल रहा है, उस समय अगर कोई चीज काम ना करे तो हम नीचे जाके उसको ठीक नहीं कर सकते। इसलिए हर एक कनेक्शन, हर एक डिटेक्टर, हर एक डेटा पाथ, हर एक कंप्यूटर जो इसमें लगाया गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स है सारा, वो सब ना सिर्फ बहुत रिलायबल होना चाहिए बल्कि 10 साल तक उसको काम करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत रिसर्च भी की जाती है। तो आप देख रहे हैं ये जो बड़े बड़े डिटेक्टर्स हैं, द हाइट इज अराउंड 10 or 15 meters, आई थिंक द सीएमएस 15। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये कम से कम नहीं तो 3-4 story बिल्डिंग के जैसे बना हुआ है। आप देख ही रहे हैं अलग अलग लेवल्स है यहाँ पर। और हम लोगों ने और मेरे कोलीग्स ने कोर्सेज करे हैं कि कैसे हम जाके हाइट के ऊपर काम कर सकें। और ये सब इजी चीजें नहीं होती हैं, काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि जब आपने ठान लिया कुछ करना तो फिर आप कर ही लेते हैं, है ना। यस नोएमी, थैंक यू, यू कैन मूव अहेड। नोएमी इज मूविंग, गुड, टू गो अपस्टेयर्स। Upstairs. I wanted to show the part of the tunnel where the accelerator is there. तो इसी वक्त आप देख रहे हैं कि अब मेरी कॉलीग ऊपर जा रही हैं आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से हम लोग दिन रात ऊपर नीचे यही करते रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि काम तो है ही, बट उसके अलावा ये देखिए यहाँ पर अब आप देख रहे हैं ये सीएमएस जो है एक्सपेरिमेंट पूरा बंद हो चुका है। पहले आप सोच रहे हैं ना कि ये सिलेंडर जैसे है, पूरा खोल दिया आपने, हर एक पार्ट में जो भी आपको डिटेक्टर लगाना है, जो केबल्स लगानी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगानी है आपको, जो उनको टेस्ट भी करना है, यू नो कमीशनिंग बोलते हैं, यानी कि उनको कमीशन करने का मतलब है कि उनको टेस्ट करके इंश्योर करना है कि वो ठीक से चल रहे हैं। तो जो आप राइट में एक देख रहे हैं ना हरे रंग का एक पाइप जैसा,
ये जो पाइप है ये एक तरह की शील्डिंग है, क्योंकि ये हमारा सीएमएस के लिए कनेक्शन है जो एक्सेलरेटर के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें एक बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक बीम पाइप होता है। उस बीम पाइप के अंदर ही वो प्रोटॉन्स जो है, आपको मैंने बताया था शुरू में कि जो जो प्रोटॉन्स जो पूरे 27 किलोमीटर घूमकर और बहुत सारी एनर्जी लेकर वो जाते हैं और बिल्कुल इस छोटे से बीम पाइप के अंदर जाके और कोलिजन होते हैं। तो इसलिए ये इसके अंदर बहुत बहुत हाई वैक्यूम होता है और ये सब बहुत लंबी एक रिसर्च के बाद बनाया जाता है और बहुत ही मतलब एक अलग मटेरियल्स के साथ बनते हैं, बेरिलियम के मटेरियल के साथ इसको बनाया जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सब बनाया गया है और ये भी इसको चेंज भी करना पड़ता है क्योंकि कई बार रेडिएशन से चीजें खराब हो जाती हैं, तो इसलिए ये बदले भी जाते हैं। तो बहुत बड़ा एक कमीशनिंग और अपग्रेड का प्रोजेक्ट एक एक्चुअली पिछले 2 साल से चल रहा था जो अब खत्म होने वाला है और अगले साल फरवरी मार्च में हम दोबारा से इस डिटेक्टर को चालू करेंगे डेटा लेने के लिए। लेकिन अब एकदम से तो डेटा नहीं आ जाएगा ना कि आपने ऑन किया और डेटा आ गया, तो आप उसको अभी से ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं अपने डिटेक्टर्स की। डिटेक्टर्स जो हैं वो आपको श्योर होना होता है कि आप उसको पावर करेंगे तो वो पावर में रहेंगे, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कोई नॉइज तो नहीं दे रही है, आपका डेटा जो है वो बिल्कुल सही डेटा है। तो ये सब बड़े सारे टेस्ट होते हैं जो हर वक्त हम लोग करते रहते हैं और उसको श्योर करने के लिए कि हमारे डिटेक्टर जब LHC चलेगी तब हम डेटा ले पाएंगे। यस नोएमी, यू कैन मूव अहेड। वर्टिकल शाफ्ट, या ये देखिए अब आप ऊपर कहाँ जा रहे हैं। हम आपका कैमरे में दिखाया जा रहा है कि वो कैसे, ये जो एक शाफ्ट है, शाफ्ट को आप हिंदी में कैसे बताएंगे, एक तरह से एक जमीन में जो हम एक कुआं जैसा बना देते हैं ना जिससे कि हम ऊपर से सामान को नीचे ले आए और सारी जो सर्विसेज हैं जैसे कि पावर है, जैसे कि कूलिंग है, जैसे कि वेंटिलेशन है, वो भी चाहिए। इस इतनी बड़ी एक जो नीचे हमने बना रखी है ना गुफा जिसमें हम काम करते हैं, वहां पर ये सब सर्विसेज की जरूरत है और डिटेक्टर्स को सारी सर्विसेज की जरूरत है। मैं पर्टिकुलरली गैस डिटेक्टर के ऊपर काम करती हूँ तो गैस डिटेक्टर में गैस की जरूरत भी होती है, तो वो जो सारी जो सर्विसेज हैं वो सब इसी इस शाफ्ट के थ्रू नीचे आती हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं जगह जगह जहां पर सीएमएस में इन चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। आप देख रहे हैं और इससे ऑफकोर्स हम लोग तो लिफ्ट से ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन ये जो डिटेक्टर है वो डिटेक्टर के पीसेस जो है वो ऊपर से नीचे यहाँ से भेजे जाते हैं और ये एक ही शाफ्ट नहीं है, कई सारे शाफ्ट हैं और एक शाफ्ट इतना बड़ा है जिसमें कि ये पीसेस जो है सीएमएस के वो एक एक करके ऊपर से नीचे लेके जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। वेरी गुड नोएमी, कीप गोइंग। आप लोग के मन में सवाल उठ रहे हैं कि नहीं ये बताइए, अब आप पूछिएगा सवाल मुझसे। क्या आप देख रहे हैं हर तरफ कितना सेफ्टी का इक्विपमेंट रखा हुआ है और हर तरफ लेबलिंग करनी पड़ती है, तरह तरह के हम लोग को कोर्सेस करने पड़ते हैं जिससे कि हम लोग कोई गलती ना करें, है ना। Can you show me one of the PowerPoint slides? Let me just tell Haifa, don't go down to X1 on the negative, okay. Only on the positive. Okay. Which one would you like to have? ओके, तो ये देख रहे हैं आप अलग अलग हमारे इसके लेवल्स हैं जैसे फ्लोर्स होते हैं बिल्डिंग में, और ये देखिए इस तरह से डिटेक्टर के बिल्कुल अंदर पूरा सीएमएस जो है उसके बिल्कुल बीच में ये कोलिजन्स होते हैं, जो टकराव होता है ना प्रोटॉन्स का बिल्कुल बीचों बीच में, जो बीम पाइप आपने देखा था ना ऊपर, उस बीम पाइप में बीचों बीच में ये कोलिशन होते हैं और ये पार्टिकल्स निकले चारों तरफ और इसका एक एक इंफॉर्मेशन हम मिस नहीं कर सकते हैं, हमको चाहिए कि हम सारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। तो जो डिटेक्टर आप देख रहे हैं वो डिटेक्टर के जो एक एक पीस है वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके उसको फिर एक स्टोरी बनाता है कि भाई ये वाला कोलिशन जो है
इसमें ये पार्टिकल्स निकले और उसकी इतनी इतनी एनर्जी थी और इतना इतना इसका मोमेंटम था। लेकिन ये जो कोलिशंस हैं वो ऐसा नहीं कि एक कोलिशन हो गया और खत्म हो गई कहानी, ऐसा नहीं है। कोलिशंस होते हैं 40 मिलियन 40 मिलियन टाइम्स एक सेकंड में। तो आप सोचिए, आप पलक भी नहीं झपक सकते इतनी देर में जितनी देर में आपके 3 कोलिशन हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि 3 जिसमें कि 40 मिलियन टाइम्स अ सेकंड कोलिशंस हो गए। तो वो सारा डेटा को रखना, उसको पहले उसमें से सॉर्टिंग करना है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, उसके लिए ये जो बहुत सारे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रिगर बोलते हैं जिसको, जब मैं पहले ही बताया था आपको, ट्रिगर एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन वेरी नाइस, ये पिक्चर आप देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग लेवल्स पर लोग काम कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं। कोई सेफ्टी में काम कर रहा है, कोई कोई कूलिंग का काम कर रहा है, तो कोई डिटेक्टर की चेकिंग का काम कर रहा है, कोई गैस का काम कर रहा है, और कम से कम नहीं तो 100 आदमी हमेशा यहाँ पर काम करते रहते हैं। तो जो 5,400 साइंटिस्ट हैं जो हम लोग सब मिलके काम करते हैं, वो दुनिया में पूरी जगह फैले हुए हैं। वो इंडिया का मैंने आपको बताया, लेकिन सिर्फ इंडिया से नहीं है, पूरे दुनिया में से लोग काम करते हैं। और ये आप देख रहे हैं किस तरह से बिल्कुल एक जैसे कि कोई एक अपन छुपाई खेलने का सोचे यहाँ पर, तो कभी कोई दूसरा मिलेगा नहीं यहाँ पर। इतनी ज्यादा छोटी छोटी गुफाएं हैं, छोटी छोटी जगह है जहाँ पर काम है, और जिस तरह से ये चीजें अरेंज्ड हैं, ये काफी वक्त लगता है इसको समझने में कि कहाँ जाएं क्या करने के लिए, ये लेवल्स के नाम क्या हैं, ये भी देखने के लिए काफी वक्त लगता है। और जमीन के नीचे भी लेवल्स हैं। ये जो आप डिटेक्टर देख रहे हैं ना, ये तो सिर्फ 3-4 स्टोरीज ऊपर आप देख रहे हैं, इसके नीचे भी 3-4 स्टोरीज हैं जहाँ सारा जो केबल्स है, जो सारी पाइपिंग है, वो सब उसके नीचे है, जो जमीन जो आप देख रहे हैं उसके नीचे। और आप सोच सकते हैं कि ये कितना भारी होगा हमारा डिटेक्टर, आप अंदाज लगाइए कि कितना भारी होगा हमारा डिटेक्टर। 14,500 टन, ठीक है, 14,500 टन। यानी कि आप ऐसे सोचें कि जो एक हाथी होता है, एक एलिफेंट होता है, वो 700 टन का होता है। ये है 14,500 टन। कितने हाथी हो गए आप सोचिए, ओके। तो ये क्यों इतना हेवी है, आप ऐसे सोचेंगे ना कि ये क्यों इतना हेवी है, क्योंकि हमें सारे जो पार्टिकल्स निकल रहे कोलिशंस में, हमको सबको कंटेन करना है, सबको गैदर करना है, सबको मेजर करना है, तो हम कुछ उसमें मिस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये बहुत हेवी हो, और एक मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर है इस एक्सपेरिमेंट में, जो मैग्नेट है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो मैग्नेट, आप अगर एक मैग्नेट से जब खेलते हैं तो छोटी छोटी पिन या कोई क्लिप पड़ी होती है इधर उधर, वो चिपक जाती है ना आके मैग्नेट से। तो यदि आप एक बहुत कोई मोटा सा आयरन का पीस बीच में लगा दें तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आयरन आपने लगाया तो वो एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड को क्लोज कर देता है। हाँ, इसी तरह से ये जो बड़े बड़े आयरन के पीस आप देख रहे हो, जो लाल रंग है, इसमें सब ये आयरन है, ठीक है, लोहे का बना हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्लोज करता है। नहीं तो हम यहाँ बैठ भी नहीं सकते, इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है वो कि हमारी लिफ्ट ही काम नहीं करेगी, हमारी गाड़ियां नहीं चल पाएंगी, वो इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है ना। तो उसके लिए ये बहुत डेंस मटेरियल चाहिए होता है, जिसके लिए कि ये आयरन यूज किया जाता है, ठीक है। लेट्स गो फर्दर डोएमी, थैंक यू। Okay, yeah. Bob Noemi, she's coming back up. I just proposed them to play with the paper clips. Very good. That's a good idea. That is what I was telling them, by the way. So oh, sorry. So you understand Hindi, yeah? That's really good. Let's assume. जी. तो अब देखिए आप क्या होगा, अभी ये ऐसे ही खड़े हैं यहाँ, और ये मैग्नेट यहाँ नहीं है, मैग्नेट बहुत दूर है, और कहाँ है, देयर शी इज। अब देखिए आप, मैग्नेटिक मटेरियल है कि नहीं है ये,
लेट अस सी, अरे ये तो चिपक ही गया, हो, देखिए दिस इज नॉट अ मैग्नेट, ये सिर्फ वो है क्लोजिंग आयरन, ठीक है ना, और वहां पर कितनी मैग्नेटिज्म ऑलरेडी है, तो इसलिए हमें भी जब काम करना होता है तो हमें केयरफुल रहना होता है कि हम कोई ऐसी चीज ना लेके जाएं साथ में जो कि हमारे जैसे जूतों में कभी कभी कोई मेटालिक पीस होगा तो हमारे जूते ही चिपक जाएंगे जाके एक्सपेरिमेंट के साथ, और ऐसा होता था पहले, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप तो इसलिए स्क्रू ड्राइवर लेके जाएंगे तो वो भी हमें केयरफुल रहना है कि भाई वो मैग्नेटिक तो नहीं है. थैंक यू नोएमी, दैट्स वंडरफुल, वेरी गुड, चिल्ड्रन विल लव इट. यस, बढ़िया, देख रहे हैं आप, तो हम लोग काफी खेल भी करते रहते हैं यहाँ पर, काम तो करते ही हैं बट वी प्ले एज वेल. वेरी गुड, आई थिंक वी कैन ब्रिंग देम अप. या तो मैं सोचती, कैन आई स्टार्ट द क्यू एंड ए? यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स. ठीक है, तो प्रवीण जी मैं सोचती हूँ कि अब ये नोएमी है हमारी कुलीग जो है वो ऊपर आएंगी और हम लोग क्यू एंड ए शुरू करेंगे, ठीक है, आप क्वेश्चन पूछना शुरू करें. आई एम श्योर बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चन होंगे, तो उनको बोलिए कि वो पूछ सकते हैं. प्रवीण, हेलो प्रवीण, हेलो, हेलो, हाँ प्रवीण जी, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जो हाँ हाँ यस मैम, इट इज विजिबल, बहुत अच्छा, तो अब दिखाई दे हम रहा है. ठीक है, तो अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे क्योंकि अब हम ऊपर आ रहे हैं और खत्म करेंगे फिर उसके बाद, हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर, ओके. ठीक है, क्वेश्चंस पूछिए, बच्चों के मन में कोई क्वेश्चन होंगे तो 2-3 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे, ठीक है जरूर जरूर, जी. ओके. आप पूछ के फिर रिपीट करना क्वेश्चन, क्योंकि फिर ऑडिटोरियम में ऐसे इजी नहीं होगा क्वेश्चंस हाँ पूछना हाँ तो ओके मैम, ओके. जी. He's asking questions and then he will ask me the Yeah, questions. Yeah. Few minutes. This. Bring it. आपने देखा कि कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट है और आपके मन में भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि किस तरह से इसके अंदर काम करते हैं, कैसे हम ढूंढ पाते हैं कि कौन सा जो ये पार्टिकल निकला है वो कहाँ टकराया था, कौन सी वर्टेक्स है, वर्टेक्स यानी कि जो पॉइंट जहाँ पर ये कोलिशंस हुए, जो प्रोटॉन्स आपस में मिले टकराए, वो एक ही वर्टेक्स नहीं है. हमने बताया ना कि 40 मिलियन टाइम्स एक सेकंड में ये कोलिशंस होते हैं, और एक ही कोलिशन नहीं होता है, कई सारे कोलिशंस होते हैं. तो अब आप देखिए, अब आप ऐसे ही सोच लीजिए कि आप एक पार्टिकल को पकड़ लीजिए और उसको ढूंढिए कि यदि हमें वापस लेके जाना है कि वो कौन सी वर्टेक्स से निकला है, इसमें कितना हमें सोचना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें एल्गोरिथम का सहारा लेना पड़ेगा, कंप्यूटिंग का सहारा लेना पड़ेगा हमें कि किस तरह से हमको हमारे हर सेंसर में, और जो सेंसर्स हैं वो बहुत बारीक हैं, कोई कोई सेंसर्स तो हमें 10 माइक्रोन यानी कि हमारा जो बाल है ना उससे भी पतला इंफॉर्मेशन हमको, मतलब बालों का जो डायमीटर है उससे भी कम डायमीटर का हमें इंफॉर्मेशन मिलता है अपने डिटेक्टर से, और सारे इनको सबको जोड़ जोड़ के हमको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है. तो ऐसा है, डू यू हैव द नोबेल प्राइज पिक्चर? नो, ओके, ओके, तो ये जोड़ जोड़ के हम किसी तरह से जब हम रीबिल्ड करते हैं तो हमारा दरअसल में आशय क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हम जो बिग बैंग हुआ था जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी
उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि हम दोबारा से वो द्रव्य बनाना चाहते हैं जो बिग बैंग के टाइम में एनर्जी से मैटर जब कन्वर्ट हुआ तो वो उस समय जो बना तो वो किस तरह का था, हम उसको स्टडी करना चाहते हैं। और पहली बात तो आप ऐसे सोचिए ना कि हम यहाँ क्यों हैं, क्योंकि जब अगर बिग बैंग हुआ और मैटर और एंटी मैटर ने कोलाइड किया, सॉरी मैटर और एंटी मैटर बना, तो फिर दोनों एनिहिलेट हो जाना चाहिए ना, सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो इक्वल होना चाहिए, कंजर्व करना होता है ना मैटर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो उसमें क्या है कि यदि मैटर बना और एंटी मैटर बना तो वो तो एनिहिलेट हो जाना चाहिए, लेकिन हमारी दुनिया और हमारा ब्रह्मांड हमारे आसपास तो हम देख सकते हैं, सितारे भी हैं और पूरा सोलर सिस्टम भी है, गैलेक्सीज भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके आगे क्या है? और जो हम देख पा रहे हैं वो कैलकुलेशंस के हिसाब से पता चलता है कि वो बहुत कम है, वो सिर्फ 5% है, तो बाकी क्या है? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको देखने के लिए हम ये जब रिक्रिएट करते हैं तो जो टेम्परेचर हो जाता है इन कोलेशंस के अंदर, वो जो सूरज है उसके अंदर जो टेम्परेचर है उससे भी मिलियन टाइम्स हायर जो टेम्परेचर है वो बन जाता है कोलेशंस में। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम उसको रिक्रिएट कर रहे हैं, यानी कि हम दोबारा से उसको बना रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर, ये ऐसे घर में नहीं बना सकते हैं, ये हमें लेबोरेटरी कंडीशंस में ही करना होगा। और यही दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक एपरेटस है कि 27 किलोमीटर आप प्रोटॉन्स को घुमा रहे हैं और फिर उनको जब टकरा रहे हैं तो वो जो टेम्परेचर्स बन जाते हैं वो बिग बैंग के टाइम के टेम्परेचर्स को हम रिक्रिएट कर पा रहे हैं। तो जिससे कि हमें पता लगेगा कि मैटर यानी ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो आप जानते हैं ये कैसे बने, और इनका जो डिफरेंट मासेज है, मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉन है वो इतना हल्का क्यों है, प्रोटॉन इतना भारी क्यों है, और दूसरे पार्टिकल्स जो हैं, कई सारे पार्टिकल्स हैं जो हम जानते भी नहीं है, हो सकता है वो इसमें आ जाए। आपने शायद पढ़ा होगा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, या नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, जैसे पीरियोडिक टेबल तो आपने सुना होगा, पीरियोडिक टेबल में तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और बीच बीच में खाली जगह जहां जहां थी वहां वहां आपको एलिमेंट्स मिले। और इसी तरह से जो हमारे पार्टिकल फिजिक्स का जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें भी जो जो मिसिंग चीजें थी वो हमें मिली, और एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी 2012 में हिग्स बोसोन की, आपने सुना होगा, और हिग्स बोसोन हमारे CMS एक्सपेरिमेंट के अंदर ही मिला था, नॉट ओनली एक और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है एटलस उसमें भी मिला था। तो ऑफ कोर्स एक जगह ही से थोड़ी आप डिस्कवरी बोल देंगे कि हमको मिल गया, यू नो, तो दोनों जगह वही चीज मिली डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ और वही पार्टिकल मिला हमको, तो वो डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो एक मिसिंग पीस था स्टैंडर्ड मॉडल का, ठीक है ना। तो वो जब हुआ 2012 में, तो 2013 में नोबेल प्राइज फिजिक्स का मिला पीटर हिग्स को और फ्रांसवा एंग्लेयर को। क्यों मिला उनको? क्योंकि 1964 में उन्होंने बताया था कि इस तरह का एक पार्टिकल होना चाहिए, वो आज हम उसको हिग्स बोसोन कहते हैं, लेकिन उन्होंने 1964 में बताया था हमको। और जो ये पिछले कई दशकों से ये जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं उन्होंने उस पार्टिकल को ढूंढ निकाला, इसलिए वो नोबेल प्राइज दिया गया था 2013 में। तो हम लोगों का ये इरादा है कि हम लोग आगे भी ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और आगे भी हम लोग नई नई खोज करेंगे और हो सकता है कि नए पार्टिकल्स भी मिले हमको और बहुत सारे आंसर्स भी मिले। जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ क्यों हैं, ये क्वेश्चन जो है ये अभी ओपन है, और हम 5% ही क्यों विजिबल मैटर है, और डार्क एनर्जी, डार्क मैटर ये सब कहाँ है, क्या है? तो इस तरह की चीजों को हम खोज में लगे रहेंगे। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। हमारा कंट्रोल रूम भी आपने देखा, ये पीछे देख रहे हैं यहाँ पर कंट्रोल रूम, और यहाँ पर सब जो मेरे कोलीग्स हैं वो बैठ जाते हैं, वही सब डेटा को देखते रहते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई डेटा मिस तो नहीं हो रहा, सारा डेटा कलेक्ट करना जरूरी होता है, तो इसलिए ये कंट्रोल रूम भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
फिर जो असल सर्न का जो बिल्डिंग्स हैं वो जिनेवा में है, हम लोग फ्रांस में बैठे हैं ना, मैंने बताया था वो जिनेवा में कंप्यूटर सेंटर है, वहां पर ये डेटा सारा भेजा जाता है और वहां से पूरी दुनिया में भेजा जाता है कि सब बच्चे बच्चे भी उसको पढ़ सकें। और आप जरूर गूगल करिएगा LHC@home, ओके LHC@home, तो आप देखेंगे कि आप भी जुड़ सकते हैं इन प्रोग्राम्स के साथ। ये देखिए टीम आ गई वापस, तो नीचे गए थे, यू कैन जस्ट सिट लाइक दैट। या ये लोगों को थैंक यू कर दीजिए सबने, इन लोगों ने आप लोगों को दिखाया CMS नीचे, और मेरे कोलीग यहाँ भी बैठे हैं जो जोल्तान जिन्होंने सारा काम किया है, ये उनके पीछे एक और मोहम्मद जिन्होंने बाकी मेरी मदद करी है सब। सो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद, ओके नमस्कार।